वेलकम टू कश्मीर गार्डनिंग। तो आज हम जा रहे हैं कुछ बल्ब्स उगाने। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने कैसे ये सॉइल है ये हमने कैसे प्रिपेयर की। तो आज हम उगाएंगे ये कुछ बल्ब्स हमने लाए हैं। ये हॉलैंड बल्ब्स हैं। ये देखिए आप, ये हाइसेंथ है, हाइसेंथ की बल्ब्स। और हाइसेंथ की बल्ब्स ये थोड़ी सी टॉक्सिक होती है। तो क्या चाहिए, अगर कोई खरीदेगा या कुछ और होगा तो ये जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं घर में, तो वो इसे दूर रखें। दूसरा ये है डेफोडिल बल्ब्स। देखिए ये चाहे हायसेंथ की बल्ब्स हो, ये भी यहाँ से स्प्राउट हुई है। और ये डेफोडिल बल्ब्स भी, ये भी यहाँ स्प्राउट हुई है। और तीसरा है हमारा हॉलैंड टुलिप्स। ये देखिए आप, टुलिप बल्ब्स ये भी स्प्राउट हुए हैं। अगर इनको पहले उगाना था लेकिन हमारी कंसाइनमेंट बंद थी लॉजिस्टिक्स में, तो अब हम इंशाल्लाह आज इनको उगाएंगे हम पॉट्स में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पॉट्स को प्रिपेयर करते हैं। इनमें हम सॉइल डालेंगे। पहले थोड़ी सॉइल डालेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर बल्ब्स डालेंगे। आप याद रखें कि चाहे जो भी बल्ब्स हो, हमारे हायसिंथ हो, ट्यूलिप्स हो या डेफोडिल्स हो, इनके लिए तो सेम प्रिपरेशन है। थोड़ी सी फर्क यह है कि कितना डीप हम लगाएंगे या कितना दूर हम लगाएंगे, तो वो भी बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए पहले हम पॉट्स को तैयार रखते हैं। हमने जगह रखी है, पिछले वीडियो में भी हमने दिखाया कि उनको हमने खूब एनर्जी दिया है, हमने वर्मी कंपोस्ट डाल के। तो मैंने क्यों इनको पॉट्स में उगाया, हम इनको आउटडोर भी उगा सकते थे। पॉट्स में एक फायदा ये होता है कि अगर सपोज मौसम खराब भी हो जाएगा, रेनी सीजन होता है यूजुअली इनिशियल स्प्रिंग में, क्या होता है कि रेन बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ इस एरिया में, तो उस वक्त हम इनको शेल्टर के अंदर रख सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा एस्थेटिक फायदा ये कि जो ही बल्बस ब्लूम होते हैं, ब्यूटीफुल बल्बस ब्लूम होते हैं, तो उस वक्त हम इनको किसी भी जगह रख सकते हैं। कभी मन आए वेरेंडा पे रखेंगे, कभी मन आए बालकनी पे भी रख सकते हैं, कभी किसी और जगह भी रख सकते हैं, इसीलिए हमने इनको पॉट्स में रखा है। तो हमने ये बड़े बनाए, तो कुछ हम छोटे बनाएंगे, ऐसे राउंड पॉट्स भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो मुझे लगता है काफी है, अगर कुछ कम पड़ेगा तो उसके बाद हम और लगा सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हायसिंथ से। हायसिंथ जितने क्लोज हम उगाएंगे उतना ये अच्छा ब्लूम फिर देते हैं और अच्छे जचते भी हैं। तो यहाँ देखिए डिफरेंट कलर्स हैं, और ये डिफरेंट कलर्स बल्ब्स के डेफिनेटली इस चीज को बताते हैं कि ये एक कलर है, ये दूसरा कलर है एटलीस्ट। तो देखिए हमने इनको ज्यादा डीप नहीं रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए हमने इसमें 7 बल्ब्स लगाए हैं। इस तरह हमारा एक प्रिपेयर होगा। अब हम शॉल इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमारा एक पॉट तैयार हो गया हायसिंथ का। तो हम एक हायसिंथ का बनाएंगे, इसके बाद हम दूसरी वैरायटी का बनाएंगे, तो उसी तरह से आप रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे डेफोडिल्स। सपोज कि अगर इतना डीप है, इससे डबल हमें ऊपर रखना है, इतना डीप ये रखना होता है एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर इतनी जगह नहीं है तो हम ज्यादा डीप नहीं इसको उगा सकते हैं, हम इसको एनर्जी ज्यादा फीड करेंगे सो दैट कि हमारे रिजल्ट्स ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें भी हमारे 7 बल्ब्स आ गए डेफिनेटली। इसके बाद क्या करना है, जो ही हमने इसको फिल किया तो इसको पहली बार एटलीस्ट खूब पानी देना है, ताकि ये जो बल्ब्स है वो भी वेट हो जाए और ये सॉइल है ये भी वेट रहे। उसके बाद क्या हो सकता है, ये जर्मिनेशन या ग्रो करने स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो ही हमने अभी सब किया, टेम्परेचर और भी डाउन हो सकता है, इट इज बेटर कि हम इसको इंटरनली या ग्रीन हाउस में या हॉट हाउस में एटलीस्ट हम इसको फ्रॉस्ट के लिए हमें इसको बचाना है। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया डेफोडिल का पॉट। तो हम उसको साइड में रखेंगे। तो इसके बाद हम लगाएंगे ट्यूलिप्स। देखिए कैसे ब्यूटीफुल पॉट्स निकल गए हैं इसके। ट्यूलिप्स के लिए तो हमारा कश्मीर बहुत मशहूर है, हमारे यहाँ का ट्यूलिप गार्डन जो है
ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन द वर्ल्ड. इंशाल्लाह स्प्रिंग में जब वहाँ ब्लूमिंग होगी तो हम आपको ट्यूलिप गार्डन टूर कराएंगे अपने साथ हमारी वीडियो में. तो इस तरह हमारा ये ट्यूलिप कंप्लीट हो गया. इस तरह हमारे तीन कंप्लीट हो गए. अब हम छोटे छोटे गमलों में लगाएंगे सेम वैरायटीज, तो इसको हम फास्ट फॉरवर्ड में ही पर चलाएंगे. इस तरह हमने सारी पॉट्स तैयार किए हैं, चाहे इसमें डेफोडिल्स हो, चाहे ट्यूलिप्स हो, या चाहे हायसिंथ की बल्बस हो. ये हमने उगाए. हमने आपको कहा कि यूजुअली इसकी डेप्थ कितनी रखनी होती है और इसकी मतलब दूरी जो होती है, डिस्टेंस होगी वो कितनी रखनी है. अगर जो हायसिंथ में ये चलता है, लेकिन डेफोडिल थोड़ा दूर ही होना चाहिए, यूजुअली एट लीस्ट मतलब 6 इंच दूर होनी चाहिए डिस्टेंस में. इस तरह हमने उगाए डिफरेंट पॉट्स में. इसकी भी वजह थी कि हमने ये क्यों उगाए. तो अब ये मसला है कि उनकी लाइट कहाँ पे हम रखेंगे, उनकी लाइट शेड्यूलिंग क्या रहेगी. यूजुअली ये सारे बल्बस है, ये सनलाइट लविंग है, इनको जितनी फुल सनलाइट मिलेगी उतना काफ़ी है, लेकिन एट लीस्ट 5 आवर्स ए डे सनलाइट उसको होनी होनी चाहिए. उस वक्त ये ब्लू ज़बरदस्त करते हैं. अब कभी कभार क्या होता है कि मैंने कहा कि रेनी सीजन आता है कि ज़्यादा रेन पड़ता है, उस वजह से कभी कभार ये रॉट हो सकते हैं, बल्बस खराब भी होते हैं. लेकिन उसके लिए हमें यही है कि पॉट में उगाने हैं, साइड में रखने. अगर हमने बेड्स में रखा है या रेजर बेड्स में रखा है तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं. यूजुअली वहाँ कुछ सपोर्ट भी हम इसको रख सकते हैं. इस तरह ये कुछ आज हमने बल्बस दिखाई, हमने ये कैसे हम शो करते हैं पॉट्स में. तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.